आज जिस तरीके से आपने जोश और जुनून दिखा के एक बार साबित कर दी है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, और वो लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और कांग्रेस को सत्ता में लेके आने का। मैं आपके बीच में कहता हूं, इस बात का वचन देता हूं, चाहे विकास की बात हो, चाहे इलाके की सम्मान की बात हो, चाहे इलाके के भाईचारे की बात हो, ये आपका बेटा है, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और एक विशाल हम कायम करेंगे, इस इलाके में विकास करके पहले दिखाया है, अब की बार ऐसा विकास करेंगे जिससे छत्तीस बिरादरी के लोगों को उसको फायदा हो, और चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे पटवारी जी ने कहा रोजगार की बात, पटवारी जी हम आपके बीच में यहाँ कहते हैं, ये हमारे नौजवान बहुत उम्मीद लगाते हैं, कांग्रेस से बहुत उम्मीद लगाते हैं, हमसे बहुत उम्मीद है इनकी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमें मौका मिलेगा, हम इनको रोजगार मुहैया कराने का पूरी तरीके से, कौशल रोजगार निगम जैसा नहीं, पक्का रोजगार मुहैया कराएंगे जिससे हमारे नौजवानों को आगे चल के अपने जिंदगी को संवारने का काम करे और मिलके इस देश की सेवा करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। मैं आज मशकूर हूँ सभी साथियों का, इतनी घंटों बाद एक पत्रकार का फोन आया था कि 4 बजे कीजिए, आप कब तक आएंगे, पंडाल तो भर चुका, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इतनी जो है गर्मी में भी आप सब लोग यहाँ डटे रहे, ये प्रतीक है इस बात का। और दयानंद जी ने एक बात कही कि भाई धर्मपाल जी ने और धर्मल ने कि भाई वोट जो है नहींगे, भाई वोटों में तो कभी आपने मेरे को घाटे में रखा ही नहीं है उदा के वालों में, तो ये कहता हूँ, पर अब की बार रिकॉर्ड बना दो जिससे कि एक चीज का संदेश जाए कि हम इस इलाके में विकास चाहते हैं, इस इलाके में तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हम इस इलाके में भाईचारा अमन चाहते हैं, और हम जो सरकार और जो पार्टी हमारे इलाके में विकास नहीं करती, आज सड़कें टूटी हुई हैं, आज पीने के पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, मैं समझता हूं कि इन सब से निजात जब ही मिलेगी जब हम कांग्रेस की राज बनाएंगे और आप लोगों का शासन आपके हाथ में होगा, आपके अधिकारी भी उनकी मजाल क्या है कि ना पानी आए ना बिजली आए, आपके लिए सब चीज मुहैया कराई जाएंगे और आप सब लोगों को बेहतर प्रशासन में हिस्सेदारी मिलेगी। मैं फिर से इसी बात को कहते हुए, कोई साथी अगर हमसे भाई यहाँ बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे आए हैं भाई, ये कारवां जो है ये जब जुड़ा है आप लोगों के भाईचारे की वजह से, और आप लोगों ने एक दूसरे के प्रति जो पार्टीवादी थी उनको भी दरकिनार करके एक सोच इलाके में आई है कि हमें विकास करना है, भाई मैं तो इसको हमेशा अपने दिल में और दिमाग में रखूंगा। आप लोगों की जो सेवा मुझसे बन पाएगी निस्वार्थ भावना से, बिना भेदभाव, आपके लिए आपकी कसौटी में खड़ा उतरने का काम करूंगा। सम्मानित साथियों का मैं मशकूर हूँ, जो बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह प्यार आप लोगों ने आज जो हमें दिया है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि प्रोग्राम बहुत होते हैं लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस उससे हम 3:15 बजे नूह से चले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते 6:30 बज गए। साथियों आज ये क्या कारण बना कि 10 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद आज समाज का, छत्तीस बिरादरी का कोई वर्ग हो वो आज सरकार के साथ या बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है। उसका एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों देकर, झूठ बोलकर, फरेब कर और लोगों को लोक लुभावने नारे जरूर दिए, लेकिन जब बात आई उसको क्रियान्वयन करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की और धरातल पे उसको लागू करने की, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से यह सरकार फेल रही है। किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, बेरोजगार वर्ग हो, सरपंच वर्ग हो, चाहे समाज के कोई वर्ग हो, हर किसी को इस सरकार ने पीड़ित करने का काम किया। और हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारे युवाओं को जो एक हमारा व्यापार था
पहाड़ का उस व्यापार से हमें वंचित किया गया। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, इस बीजेपी सरकार ने एक काम जरूर किया है, चाहे कोरोना काल है चाहे कोरोना काल के बाद की बात है, कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार विफल रही है वो आपके सामने है, लेकिन इन दो पांच सालों में और दस सालों में एक बात जरूर हुई है कि जो बहुत पैसे वाला आदमी था वो कई गुना पैसों में बढ़ा, और जो गरीब आदमी था वो और गरीबी में गया है। अब मोदी जी उसको 5 किलो अनाज देके सोचते, मैंने तो अपना कर्ज कर दिया, उसको तो 5 किलो अनाज देते हैं, अडानी अंबानी को उन्होंने पूरा देश सौंप दिया जिससे कि अपनी संपत्ति उनका उनका अगर आंकने का काम करे कई हजार गुना संपत्ति जो है इन पूंजीपतियों की बड़ी है, तो आपको तो दे दिया 5 किलो अनाज और सोचने लगे कि अब हम देश पे साल राज करेंगे। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, कहीं नफरत की राजनीति करते हैं, कहीं जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, कहीं धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये देश हजारों सालों से एक ऐसी सुंदर व्यवस्था और एक ऐसी मिसाल है जिसमें हम सब जो है बसते हैं। मैं आज सलाम करता हूं उदा की सरदारी का, ये हमारे इलाके का ऐसा गांव है जिसमें 36 बिरादरी वास करती है, लेकिन इस जैसा भाईचारा हमें किसी इलाके में मिल नहीं सकता। जिस तरीके से ये मिलते हमेशा अपने गांव में अपनी मसलों को हल करते हैं और कोई ऐसा कारण नहीं बनता जिससे कि आप एक दूसरे को करें, और यही कारण है कि आज दयानंद जी कह रहे थे हम जोड़ने का काम करते हैं, जो खून इनका है जो वही हम में है, हम भी समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम भी सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं, हम छोटी राजनीति के बलिए कभी किसी जाति धर्म के नाम पे इन चीजों को ना करके हम चाहते हैं इंसानियत के नाम पे राजनीति हो, विकास के नाम पे राजनीति हो, ईमानदारी से इनकी सेवा हो, ना कि अपना मतलब निकला, ना फोन सुनने की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत है, ना किसी से हालचाल पूछने की जरूरत है, चुनाव आए तो अपना माफी मांग ले, गलती होगी अब हम ऊ ना रहेगो, अब तो युग तीसरो आगो या को दे दे वोट, भाई ऐसे मंजूर है तो नन्ना है ये तो नहीं है, तो भाई उनकी आदत तो यही रहेगी, एक दिन की कहानी नहीं है, बहुत लंबा समय मिल गया, अगर उनको सुधरने का मौका होता तो पहले सुधर, लेकिन उन्हें तो सत्ता की मलाई चाहिए, आप लोगों की भलाई नहीं चाहिए, ना आप लोगों के विकास की बात करने की जरूरत है उन्हें, ना आप लोगों की जब जरूरत पड़े उसमें काम आने की जरूरत है, उन्हें तो सरकार की चाटुकारिता करके अपनी नौकरी बचा के रखने की जरूरत है। बाप को बीजेपी में, बेटे को धक्का दे दिया तू लोक दल में जाओ, अरे लोग बेवकूफ नहीं है, ये सब समझते हैं कि किस मकसद से इन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लोक दल हरियाणा में चाहे कोई दल हो उसका एक ही मकसद है कि कांग्रेस को रोका जाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ आज विश्वास से कह सकता हूँ, मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस हिसाब से हमें जन समर्थन मिल रहा है, जिस हिसाब से पक्ष विपक्ष जो सरपंच जीते हैं जो सरपंच हारे हैं वो सब इकट्ठे होके हमें आज हमारे साथ लगे हैं, मैं मानता हूं हमारी जिम्मेवारियां कई गुना बड़ी हैं, इंशाल्लाह आपको एक विश्वास दिलाते हैं साफ नियत से सही सोच से उन सभी जिम्मेवारियों को उन सभी उम्मीदों को जो आप लोगों ने हमसे करी है उन्हें पूरा करने का काम करेंगे, बिल्कुल साफ नियत से उन सभी जिम्मेवारियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। रही बात सरकार की, तो वह 10 साल तो हमने देख लिया, जो हमारे काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कांग्रेस की सरकार में मेवात में शुरू हुए थे उनको रोकने में भाजपा सरकार ने किस तरीके से हमारे साथ सलूक किया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो यहाँ पर IMT हो,
चाहे सड़कों का हाल हो, चाहे बिजली का हाल हो और बड़ी बड़ी चीजें, तो क्या जब बिजली पानी, पीने के पानी और बिजली का जो इन्होंने हाल करा है वो आप लोगों के सामने, जब इतनी मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं दे सकती तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। आज हम पीने के पानी के लिए तरसते हैं, बिजली के लिए तरसते हैं, नहरी पानी के लिए तरसते हैं, उस पानी के लिए जो केमिकल युक्त पानी है जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां पड़ रही हैं, हमारे इंसान खराब हो रहे हैं, हमारे जानवर खराब हो रहे हैं, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। आपको एक ही विश्वास दिलाते हैं, सरकार बनने के बाद जिसमें कोई अब शक शुबा नहीं रहा, इन्होंने तो झूठा नारा दिया था पिछली बार 75 पार का, हम तो बिना नारा दिए बता रहे हैं 70 पार हो गए इंशाल्लाह, और बीजेपी का कर दिया हमने चमना पार। पार्लियामेंट में तो करा था हाँ। और अब क्या कर देंगे इंशाल्लाह साफ। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर अंदर पीने के पानी का और बिजली का आपका सुचारू व्यवस्था करेंगे और ऐसी प्लानिंग लेकर आएंगे कि जो नहरी पानी हमें सही वक्त पर मिले और स्वच्छ मिले, ये काला पानी हमें नहीं चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए जिससे हमारी नस्लें सुधर सके। और सारी विकास की बातें तो आफ्ताब भाई आप लोगों की